हाय फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर आई है घर पे और आज हम बना रहे हैं केक और पास्ता, जो कि अभी हम घर में हैं लॉकडाउन में। तो ये मेरी सिस्टर है, मेरी मम्मी, मेरा भाई और ये मेरा किचन। तो अभी हम पास्ता का सब रेडी कर रहे हैं, वेजिटेबल्स डाल के। तो अभी जस्ट स्टार्ट किया और हम केक भी बनाने वाले हैं, तो मेरी दीदी मुझे सिखा रही है। तो हमारे पास ये बिस्किट है बॉर्बन, और बहुत टेस्टी भी होती है ये, बहुत खाती थी मैं बचपन में, अभी भी खाती हूँ, अभी भी मैं बेबी हूँ। ओके, तो मैं केक का मिक्सचर रेडी कर रही हूँ और मेरी दीदी पास्ता रेडी कर रही है। वैसे आज कुछ है नहीं, मेरी दीदी जॉब पे जाती है तो उसको मंडे को छुट्टी रहती है, सो इसलिए आज वो घर पे आई है सिखाने, क्योंकि उसने अपने घर में बनाया था। अब पानी नहीं आवे ने, उसने अपने घर पे बनाया था और मेरी मम्मी को खाना था। हाँ, पास्ता मम्मी को ही खाना था, मुझे तो सीखना भी था और खाना। हेलो, मैं अभी ग्राइंड करूंगी इसको, और तो बस मैंने 6 पैकेट लिए हैं, मतलब दीदी ने लिए हैं, मैंने कुछ नहीं लिया, मैं सिर्फ उसने बताया वैसे मैं कर रही हूँ। उसने अपने घर पे केक बनाया था जो कि बहुत टेस्टी था, और आजकल सब लोग घर पे ही केक बना रहे हैं जो कि बहुत अच्छा भी है। बाहर का केक हमें 600-700 डिपेंड करता है जगह पे और कैसा, कितने दिन का होता है या जो भी है, सो बेटर है कि हम लोग घर में केक बनाएं, और बहुत इजी है ये। ओके, तो मेरे ये मैंने इसमें डाल चुकी हूँ सारे, फुल हो गया ये। आवाज आने वाली है इंस्टाग्राम लाइव में ज़्यादा आती हूँ, इंस्टाग्राम क्या यूट्यूब पे मैं ज़्यादा लाइव नहीं आती हूँ, बट तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम लोग यूट्यूब पे ही लाइव आते हैं। अरे तो बीजी एक मिनट, तारा बीजी शादी
थोड़ी कर ए आमा दूध ना ना खाई के वदे ही पछमे दूध ना ना खाई के आमा मैं उलू बे चमची कपड़ा लाए खाए तू नहीं बाहर क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूं मुझे पता नहीं है तो इससे हमें काट थोड़ी तोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं उसको कट करके डाल रही हूं मैंने पूरा पूरा अंदर डाल दिया जिसकी वजह से वो बन नहीं रहा मिक्स नहीं हो रहा बहुत मेहनत का काम है खाना बनाना क्या पका रही है भाभी क्या होता है तू भी रही है तो मैंने स्वीट कॉर्न क्या मीठा आ गया क्या खाना केक बना रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की तरह कुछ लोग के सारी भैया को भी बदनाम करने पर लगे उनको दूर कल बटर चीज नाखी का तो सर प्लान है मस्त लग यार था तू जाओ मत कर ना हमारी घर तू यहां हां प्लीज सर जो ही खा तू ना अपन इंतजार नहीं खा भाई क्या बना रही हो दीदी हाँ ये अच्छा था दीदी अच्छा है और भाभी क्या होता है यार जी तो पास्ता बन रहा है सुना एक बटर बटर डाला है इसमें बटर मेंदू थोड़ा सा ए मेंदू आटलो सुना एक कितने आटलो बजो थे बटर नाक दीदू एटलो बजो नहीं ना एक तो जो मम्मी नो तो नहीं अच्छा मैंने दूध जो इसे थोड़ू मम्मी हाँ जी मतलब गरम करे लो हाँ थोड़ू नवाई अर्धी चम्मच बिस्किट मम्मी से भी नहीं हो रही है बोले तेरे से नहीं होगा इंसल्ट कर देती है बेटियों का वैसे तो मुझे कुकिंग सीखना ही नहीं है कुकिंग कौन करता है ये है चिली फ्लेक्स ये
हाँ झीणू करना है बस एकदम झीणू झीणू करी दे चल काजू हवे तो ये हो गया चिली फ्लेक्स जो कि हम पास्ता में डाल चुके हैं हाँ यस बोलो सब्जी हाँ काम वाली बाई बन गया मैं आज काजू गैस नहीं करे दूध नो शायद नहीं जो है बस पिला जो है सोचियो तू आत्महत्या कर रही है हाँ सुसाइड की ना मैंने જો મમ્મી આ કંઈ એ જ નથી મરવાનું ડિપ્રેશન હોય સાચી વાત છે પણ થોડું તો વિચાર હા બીજા કોઈ નો મારી મરી નો ભૂકો ક્યાં નાખો હું લઈ આવી ને ઓલું જૂનો ફેંકી દેજો એક્સપાયર થઈ ગયો નો ખાતા હોય તો લઈ આવતા નહીં મેં તો અરે પણ જોઈ ને આવ આ તું ઇટાલિયન ખાઈ બી બનો તને બ્લેક પેપર જોયે તો રોજ થોડી ના ઇટાલિયન બનવાનું છે ઘરમાં હાય સોરી એવળો ગુજરાતી ની વાત પણ એક વાર નાખું તો પડે ને કાજે હું છે ને એ દરસ કાંદા હાય ક્યાં નામ થા હેલો नहीं नहीं आज एक्चुअली मैंने डाइटिंग मैंने सब स्टार्ट किया था बट आज चीट डे है क्योंकि मेरी दीदी आई है और मम्मा ने कहा है नहीं खाओगी तो बुरा लगेगा तो मम्मी को हिंदी में बोलो आपको गुजराती सीखनी चाहिए अब मम्मी मरी ना भूखो क्या मेरे को दे पाउडर आ रही सो हाय देवी के बारे में हेलो अनिल पांडे हाय शौकीन हाय मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो हाय आचल थोड़ा कोचो बने थे एक बार चाकी जो तूने तो थोड़ा जो वाइट चीज बने ना 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 रांची झारखंड आए ऑफ कोर्स आना है बट अभी तो कोरोना चल रहा है तो घर से बाहर निकलना बंद है एंड सब लोग को घर पे ही रहना है हेलो अजित कुमार ए प्लीज यार भाभी मत बोलो So, हमारे पास्ता में दिखाती हूँ
થોડુંક વેટ છે ઓછું બન્યું છે બટ ઠીક છે બહુ મને નો ગમે બીનુ હા ઓકે कैसा है कैसा लगा मैं आपको खिला नहीं सकती है क्योंकि मैं पुणे में हूँ और आप लोग बिहार यूपी झारखंड कहाँ कहाँ आई डोंट नो सो हेलो इरफान हाय केम छो मजामा दिल्ली हाय दिल्ली ओके सासाराम में आओ कभी यार मैं आना चाहती हूँ बट फिलहाल अभी लॉकडाउन है और कहीं जा नहीं सकते हम लोग सो इसलिए हम अभी घर पर ही है और बस घर पे ही रहना है एक्चुअली और कुछ कर भी नहीं सकते हैं तो जब भी लॉकडाउन खुल ही चुका है बट अभी केसेस भी बहुत है तो बाहर जाना अनिवार्य है अच्छी बात नहीं है तो घर पे ही रहिए जब तक कोई सॉल्यूशन प्रॉपर ना आ जाए और केसेस कम ना हो जाए बिकॉज हमारी वजह से हमारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारी फैमिली के लोगों को सो इसलिए घर पे रहो पटना कब आओगे कबीर बहुत जल्द आएंगे पटना दुबई भी बहुत जल्द आऊंगी दुबई में काफ़ी दोस्त हैं हमारे और आप सब भी हैं सो दुबई भी हम ज़रूर आएंगे बहुत जल्द आएंगे एक अरे आटलो मेहंदो जो तो मैं आटलो में तो सुकम ले आएगा મને શું ખબર તમારે મમ્મી ને તો મેં આનાથી મોટું પેકેટ લીધું તો મેં આવડું મોટું હા પછી આ ક્યાં દેખાડો ઓછો પડ્યો છે ઠીક છે તો તમને નોટિસ વાત એટલે ઠીક છે હા નાખી દે હવે બની ગયો તો ખાઈ લઈ ખાઈ લો તમે લોકો ત્યાં સુધી હું તને ઓવન શીખડાવું પહેલા તું ઊભી રહે મુજે મેરે ઘર મે ઓવન હે ઓવન ઓવન હે બટ મુજે ચલાની નહીં આતા और जब हमने ओवन लिया था तब मेरी दीदी की शादी हो गई तो वो ऐसे ही बेचारा कभी कभी दो मिनट के लिए ऑन होता है कुछ चीज़ गर्म करनी होती है तो अदरवाइज नहीं होता मुझे आता भी नहीं है ना मैंने सीखा मम्मी आइया वो मेहंदो आइया मुको चू पहला खाना वहाँ या शेकना वाला पेड़ा छे ओके हाय मेरा पपी ठीक है और अभी सो रही है मैं दिखा देती हूँ हनी हाय से हाय हनी ओके आया ऊपर आप पहला खाना हाय સીટ કોને ઓર્ડર થઈ જશે ને ઇન્સ્ટન્ટ હા હા પીગડી જશે તરત મને દૂધ ઠંડુ કરવું છે બોલો ભાઈ દોસે કે માં લાવ નાખી દો હમ પાસ્તા તું જો તો કરી આબરા કડાબરા બારબ સાબરા બસ ઓવન માર્ટર ઓવન વાપરવાનું છે મારે मैं अभी केक सीख रही हूँ ओवन में कैसे बनाते हैं बिकॉज मुझे नहीं आता है और मैंने एक बार बनाया था जो कि मैंने गैस पे बनाया था और अच्छा बना था लेकिन टूट गया था देखो ओवन जब काम ना हो ना तो उसकी हालत ये होती है तो अब मैं सबको नीचे कर देती हूँ सामान मम्मी छाछ पी उड़ा भी इसके थोड़ी पेट में जलन था ओके मम्मी बे ग्रीन टी नती ली थी ना एक अच्छे पाड़ी ना आईवी ने આજે આવવાનું
ને મનાને ભૂખ હોય તો ભાઈ ઓવન ની હવે એ ક્યાં ગોતું ઓવન ના મશીન ડબ્બા માં હશે ને ઓવન ના બોક્સ માં केक बन रहा है मेरी मम्मी का बर्थडे था जून को हमारे माई के जन्मदिन रहे 10 जून के तब हम मम्मी आज साकर वगैरह नोच केक बनाओ जी बिस्किट में साकर है सेफ भी ना ना हमें नहीं ना को तैयार भी मैं साकर नहीं ना खे तब हमने केक नहीं लाया था ना बनाया था तो आज मम्मी का बर्थडे केक बन रहा है आज मम्मी के बर्थडे केक बनावे जाता नहीं हमनी के अगर मैं भोजपुरी बोलने लगूंगी तो मुझे आ जाएंगी मुझे लग रहा है मतलब बोलने बोल सकती हूँ केक की रेसिपी हाय कोमल इट्स वेरी इजी केक बनाना बहुत इजी है मैं बताती हूँ ये है इसमें कोको पाउडर डाला है 3-4 चम्मच स्पून और बॉर्बन बिस्किट के पैकेट हैं 6 छोटे वाले और कॉफ़ी है कितना कॉफ़ी कितना है एक चम्मच कॉफ़ी बस यही है और मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी हम बिना शुगर का बना रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी इसमें बहुत शुगर होती है बिस्किट्स में तो हम बिना शुगर के हम केक बना रहे हैं कोने कोने ले बाबू शू करूँ छे हेलो पंकज शर्मा हाय कुकी कहाँ है कुकी अभी सो रही है उसको सुला दिया है सुबह खिला के बिकॉज वो चल नहीं पाती है वो चलती है तो उसकी आँख से आंसू आते हैं सो वो सो रही है वो देखो वहाँ उसको बालकनी में रखा है बिकॉज वो चल नहीं पाती है सो वो चलते चलते टॉयलेट वगैरह कर लेती है सो इस वजह से उसको हमने टेरेस में रखा है बट दरवाज़ा खुला है वो जब भी नींद से खुलती है तो वो घर में घूमती है बट फिलहाल सो रही है दे आमा हाँ दे आमा माइक्रोवेव तुमने आमा सिखड़ा काजू ये मैं काटी ना बटर मिल्क એમા કેક બનાવસ ચમચાથી કાઢવું પડશે ને આઈ થિંક દે હું કાઢું લે આ દે ગરમ છે કે દાવ ખાસ નથી પીતી સારું છે
ओके फ्रेंड्स, पास्ता भी रेडी है और केक भी बनने जा रहा है। मैं फोटो भेजूंगी आपको और मैं अभी इंस्टाग्राम पे लाइव आ रही हूँ, सो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन करिए।